पर प्रभावशाली लोगों का प्रभाव इस कदर है कि एक पीड़िता न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। मामला भदोही का है, जिसकी बात हम अभी आपको सुनाएंगे। आपको बता दें, पीड़िता का कहना है कि वह DGP से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत कर चुकी है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। भदोही से PPC रिपोर्टर राजकुमार सरोज की ये रिपोर्ट। की सरकार एक तरफ जहां महिलाओं को सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सशक्त है, वहीं भदोही जिले के सूर्याबाद थाना के अंतर्गत एक गांव की नाबालिग किशोरी न्याय के लिए दलदल भटक रही है। उसके साथ 2 माह पूर्व दुर्गा पूजा देखने गई थी। गांव के ही एक दबंग व्यक्ति, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने को जिला अध्यक्ष बनाता है, उसके द्वारा किया गया छेड़खानी। तहरीर देने के बाद भी नहीं हुआ कहीं मुकदमा दर्ज, शिकायत की DGP से। और अब वह सुनिए उसकी बात। बेटा, आप उस समय कहाँ थी? गया दुर्गा पूजा देखे सर। कौन कौन साथ में था? हमारे 3 बहन हम लोग रहे, 3 बहन रहे। दुर्गा 8 बजे दुर्गा पूजा देख के आते रहे, और राज बहादुर पीछे लगा रहे, एक आदमी मोहबाने रहे, एक आदमी मोहबान के रास्ता में गाड़ी रोक दिया, रोक के हमारे पकड़ लिया, पकड़ के खेते में चले गए, कपड़ा हमारे फाड़ दिए। फाड़ के बाद दो आदमी रहे ना, और चिल्लाने उल्लाने हमारे, तब से दो आदमी आई गए, जब लाइट देखे तो भाग गए ना ऊपर से। ये थी सूर्याबाद थाना अंतर्गत एक किशोरी। मैं PCC चैनल उत्तर प्रदेश सूर्याबाद से राजकुमार सरोज।